विस्तार को विश्वास देते हुए संकल्पित भारत, सशक्त भारत बनाने का संकल्प हमने देश के सामने रखा है। साथियों, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इसी भावना पर नए भारत के निर्माण के लिए हम देश के जन जन, देश के हर नागरिक की भागीदारी चाहते हैं। एक तरफ हमारी नीति और नियत है और दूसरी तरफ हमारे विरोधियों का दोहरा रवैया है। साथियों, आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे, आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में हमने एक नया विश्वास जगाया है। अब जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य बनने का हमारा संकल्प हम सामने देख रहे हैं परिणाम को। साथियों, घुसपैठियों की पहचान का हमने वादा किया था, ये बड़ा काम हम शुरू कर चुके हैं। अब घुसपैठ का पूरी तरह बंद करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। हम नक्सल माओवाद, नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है। देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में फैलाने का काम हमने किया है। इसी विरासत को हर प्रकार के आघात से बचाने के लिए तैयार करना, ये हमारा संकल्प है। आप मुझे बताइए, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? है, है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आशीर्वाद यही मेरी ताकत है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा, आप मुझे बताइए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? आपको इस चौकीदार पर विश्वास है? भाई और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है। इसी तरह कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाई और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे, पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है
कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश को गाली देने वालों, टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे। देश